हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम पिछले का क्लास पीछे वाला क्लास जो नहीं किए हैं वो जाकर चैनल पर कीजिए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक दोनों दूसरे से रिलेटेड है। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है कि कुछ हम लोग किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कुछ रिमाइंडर बचता है। अब फैक्टर थ्योरम में क्या है कि उसका अगर पूरी पूरी से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, फैक्टर है उसका। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का जो क्लास होगा फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक स्टडी। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पेन और कॉपी लेकर तैयार रहना है। ठीक है, चलिए टाइप सिक्स का पहला सवाल जो है, टाइप सिक्स का पहला सवाल है कि बोल रहा है दिख 2x-1, 2x^4-7xq + x + k = 0 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या दिया हुआ है, पहले पॉलिनोमियल कितना दिया गया है, ये है आपका 2x^4-7xq + x + k = 0। इसका फैक्टर क्या है, इसका गुणनखंड क्या है, 2x-1 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी चीज़ में फैक्टर होता है, ये इससे अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में जैसे पढ़ रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो जिससे डिवाइड करना था इसका इक्वल टू क्या होता है, 0 करना पड़ता है। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इसी x बार 1/2 को हम लोग इसमें पुट करेंगे और यहाँ से k का मान निकलेगा। है क्लियर, तो यहाँ चलिए इसको कितना आ जाएगा, 0 = 2 × 1/2⁴ - 7 क्या हो जाएगा, 1/2³ + 1/2 + k = 0। ऐसे करना सॉल्व। अच्छा, 0 इधर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करना जितना जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए। अच्छा, 1/2⁴ कितना होता है, 1/16, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/8, ये हो जाएगा कितना, 7/8, ये हो जाएगा +1/2 + k = 0 हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7, ये हो जाएगा -6/8, और ये हो जाएगा +1/2, बोला कितना हो जाएगा, माइनस के, तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2×8/8। ठीक है, समझाने के लिए इतना सारा स्टेप हो रहा है। अच्छा, तो 6 × 4 = 2, -2/8 कितना हो गया, -1/4, तो क्या कितना आ गया जी, 1/4, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन डन है, क्लियर हो गया। कुछ फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, इसमें खाली बस इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दबा दबा के। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, चलिए इसमें बेस्ट सवाल है, क्वेश्चन है कि यदि x+1 और x+2, x³+3x² + bx का गुणनखंड है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दिया गया अपना, पॉलिनोमियल जो है वो दिया गया अपना ax³। ठीक है, प्लस ये क्या है भाई, 3x² + bx है। ठीक है, अच्छा गुणनखंड कौन कौन है, इसका गुणनखंड जो है वो है x+1 है और कॉमा क्या है, x+2 है। जब इसका जो गुणनखंड होता है तो पूछ रहा है कि ये अभी का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी कोई पॉलीनोमियल दिया हो रहा है, कोई बहुपद दिया हो रहेगा और बोलेगा कि इसका इसका गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड मतलब क्या होता है कि उसको पूरी तरीके से काट देता है, मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा एक्स वायर यहाँ से कितना जाएगा, एक्स वायर का जाएगा -1 और एक्स वायर कितना जाएगा, -2। ऐसे को हम लोग बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया, 0 = a·(-1³ + 3·-1² + b·-1। ठीक है, अभी समझाने का है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टेप आपके हाथ में है। तो यहाँ कितना जाएगा भाई, 0 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -b, हो गया। तो अगर a + b को इधर ले आएगा तो कितना हो जाएगा जी, a + b = यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। एक और समान निकल गया हमको, अब x^-2 इसमें पुट कीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a·(-2³) डायरेक्ट लिखे हैं, -8 हो गया, +3·(-2² = 4 और +b·(-2
ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 8a प्लस 2b, तो यहाँ से आता है 8a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, चलती आई 12। अच्छा चार से पूरा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, नहीं चार से नहीं करेंगे, दो से करेंगे, क्योंकि चार से दो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 8 प्लस बी बराबर 6। इक्वेशन कितना आ गया 2 आ गया, और ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो दो गो इक्वेशन तो दो गो अननोन, तो दोनों सॉल्व नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ से बी दोनों क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वायरल पैटर्न है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा 2 − 1 करेंगे तो क्या होगा भाई, बी से बी कट गया, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ए बच जाएगा आपका 3a इक्वल टू 6 − 3 कितना होता है 3, तो ए बराबर कितना 1, तो ए बराबर 1 आ गया, तो इसमें बी बराबर कितना आ जाएगा 3 − 1 कितना होता है 2, तो ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ए मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन, RRB NTPC में आया हुआ सवाल था, ठीक है, बन जाएगा फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन। चलिए अभी देख लेते हैं और क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम बेस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 2x² − x - b विभाज्य है x² − 1 से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो अपना है वो क्या है, वो है ए एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स का क्यू प्लस 2x², ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। इसको विभाज्य कितना से, x² − 1 से, ये जो है x² − 1 से विभाज्य है, ठीक है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है SSC में आता है, रेलवे में आता है, तो कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट मेरा वही है, x² − 1 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे हम डिवाइड करवाना है क्या करेंगे, उतना इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स बार कितना आ जाएगा जी, एक आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 2 आएगा 1 और माइनस 1 पे। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार कितना करेंगे माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 = 1, अगर पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1³ + 2 − a हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, तो 2 में से 1 = 2 कितना 3, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो क्या होता है 0 = हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब कितना होता है माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ गया 2 में से 1 तो आ जाएगा कितना आ गया माइनस 1, प्लस माइनस में गलती नहीं करना है, ठीक है। अच्छा दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन आ गए, तो सॉल्व करना कितना आसान है, कुछ करना है, 1 और 2 को इसमें ऐड कर देते हैं, बस क्वेश्चन से कैसे खेलना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हो जाएगा। अच्छा बी भी कट गया जी, ए कितना हो गया 2a बराबर कितना, ऐड कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो 3 में से 1 = 2, तो ए बराबर कितना आ गया, ए भी 1 आ गया, और ए का वैल्यू से पुट करेंगे तो ए भी क्वेश्चन उतना ही आ गया, 3 में से 1 = 2, ए बराबर 1 b/2 आ गया। जो भी SSC में आया हो क्वेश्चन, वो भी हम लोग साथ में करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है क्या है, यदि एक्स क्यूब माइनस कितना है एक्स का क्यूब माइनस 6x² + ax + b, ठीक है, ये अपना पॉलिनोमियल है, इसको बोल रहा है किसे विभाज्य है, x² − 3x + 2 से विभाज्य है, ठीक है, यही सवाल है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, इसी पैटर्न क्वेश्चन रहता है और क्या। तो सिंपल सा देखिए, क्वेश्चन को हल्का सा लेवल बढ़ाया, इसमें इसमें क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, तो द्विघात समीकरण है, इसको बोल रहा है कि सॉल्व करना पड़ेगा हमको x का वैल्यू, तो इतना इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो इसको फैक्टराइज पहले करेंगे, तो 2 × 1 = 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए -3, फैक्टराइजेशन आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा −2x − x + 2 = 0, तो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x − 2, ये हो जाएगा x − 2 = 0, तो एक्स बार यहाँ से कितना जाएगा 2, एक्स बार कितना 1, दो वैल्यू निकल गया। जैसे दो वैल्यू हमको निकलेगा वो क्या करेंगे, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे और रिमाइंडर क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि क्या है गुणनखंड है, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो जाएगा आपका कितना जी, अगर 2 पुट करते हैं तो p(2) बराबर 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24 प्लस 2a
और प्लस बी बराबर फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से टू ए प्लस बी कितना आ जाएगा जी, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू चौबीस में साठ कितना बचेगा सोलह। इक्वेशन वन आ गया यहाँ पे, एक इक्वेशन मेरा क्लियर हो गया। अच्छा एक सवा वन पुट करते हैं, वन पुट करते ही मेरा क्या हो जाएगा, वन का क्यूब होता है वन माइनस सिक्स प्लस ए प्लस बी बराबर जीरो। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया यहाँ से फाइव आ गया इक्वेशन टू। और दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। अच्छा इसमें से घटा लेते हैं, वन में से टू को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू। इतना एग्जाम में सजाना नहीं है, फटाफट बनाना है ठीक है। चलिए देखिए तो बी से बी कट गया जी, तो टू ए में से ए जाएगा तो कितना बचेगा ए बराबर सोलह से पाँच गया ग्यारह, और ए का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा सोलह माइनस टू ए ग्यारह दो नहीं बाईस, तो सोलह से बाईस जाएगा कितना बचेगा माइनस छः। तो ए बराबर ग्यारह बी बराबर कितना आ रहा है माइनस सिक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, ऑप्शन डी द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, फैक्टर थ्योरम बेस्ट क्वेश्चन, एक दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ा ठीक है। जिसको गुणनखंड नहीं करने आएगा तो सवाल बनेगा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए गुणनखंड आना बहुत जरूरी है द्विघात समीकरण को तोड़ने के लिए ठीक है भाई। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स वाई प्लस चौबीस वाई स्क्वायर ट्वेंटी फोर वाई स्क्वायर, इसका निकालना है गुणनखंड ठीक है। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब क्या फैक्टर, फैक्टराइजेशन निकालना है इसका ठीक है। आपके सामने ऑप्शन चारों दिया गया है, भी इस तरह का भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ देता है ठीक है। तो इसको हम लोग करना क्या है भाई, अच्छा 24 को इस तरह से ब्रेक करना है ना कि दोनों घटाना में कितना ना चाहिए 11 होना चाहिए, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में करते थे उसी तरीके से इसको भी करना है ठीक है। तो यहाँ से 24 को इस तरह से ब्रेक करना है हमको कि दोनों घटाना में कितना ना चाहिए 11 आना चाहिए। तो 24 को कैसे तोड़ेंगे, अठतीस 24 आठ दिन ग्यारह आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखे कितना एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा एट एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई ये कितना जाएगा ट्वेंटी फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये दोनों में कॉमन लेंगे x तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा एट वाई, और यहाँ से थ्री वाई अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा x प्लस एट वाई ठीक है। दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे तो x प्लस एट वाई, फैक्ट्रेशन बहुत आसान है ठीक है, बस खाली प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ गया मेरा x प्लस एट वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है। ऐसे भी हम लोग को एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में हमको ऑप्शन से कुछ हेल्प ले लेना है ठीक है। तो अगर यहाँ पर 24 वाई स्क्वायर है तो लास्ट में 8 वाई इंटू प्लस होना चाहिए, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, लेकिन बीच में कितना होना चाहिए 11 एक्स वाई भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे दोनों क्या बचेगा 8 और 3 दोनों प्लस में होना चाहिए ठीक है। तो एक्स प्लस एट वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई क्लियर है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन का इसका पूछ रहा है कि वर्गमूल निकालिए ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ग्रुप डी का सवाल है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है इसको सॉल्व कीजिए पहले, खुद से ट्राई कीजिए पहले ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ यहाँ पे ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये कुछ दिख रहा है एक्स प्लस टू का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स। अच्छा ये क्या है जी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ठीक है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या करेंगे, दो पावर है तो एक पावर बाहर निकलेगा, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री हो गया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, नहीं ऑप्शन बी हो गया ठीक है। फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन दे देता है, ऐसा आपका एनटीपीसी में आया हुआ सब सवाल है। चलिए एक आर आर में जेई का सवाल है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देखिए यदि एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस चौबीस का एक शून्यक एक्स बराबर टू है तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर देता है ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको देखते हैं, ये है आपका x का क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स माइनस 24, ठीक है। इसका एक गुणनखंड जो एक शून्यक है, शून्यक या गुणनखंड या कुछ भी बोलिएगा इसको, एक्स बाय एक्स शून्यक दिया हुआ है, टू है, ठीक है। तो इसका दो शून्यक और मांग रहा है, किसका अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, अगर तीन अगर क्यूबिक इक्वेशन रहता है तो उसका सोल्यूशन क्यों निकलेगा, उसका वैल्यू, उसको सॉल्व करेंगे तो तीन वैल्यू निकलेगा। क्वाड्रेटिक रहेगा तो कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। जितना पावर उतना इसका हम लोग को सोल्यूशन निकलता है। तो इसमें क्यूबिक है तो एक दिया इसका एक एक्स बार टू शून्यक है, मतलब एक्स बार टू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका दो शून्यक और पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आरएलबी जेई का सवाल है। तो यहाँ से अगर एक्स बार टू शून्यक है तो इसका एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक क्या हो जाएगा जी, विल बी फैक्टर। अगर x बार टू इसका शून्य है तो x माइनस टू क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे कि x माइनस टू से इसको करेंगे हम लोग डिवाइड, ठीक है। तो x माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको हर एक में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x है x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस टू यहाँ पे लाना है, ठीक है। हर एक इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ से कितना आ गया जी, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लाना कितना है, फाइव एक्स स्क्वायर, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं इसका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पाँच है तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेवन एक्स स्क्वायर, तब ना होगा एडजस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक्स माइनस टू हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी x माइनस टू, इसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे अगर सात आएगा, सात एक्स, तो कितना हो गया सेवन एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, माइनस चौदह एक्स बच जाएगा, ठीक है। और लेकिन लाना है यहाँ पे कितना, माइनस टू, तो माइनस चौदह में क्या करेंगे, बारह को ऐड कर देंगे, ठीक है। किसी तरीके से हमको x माइनस टू हर एक में फैक्टर होना चाहिए, बस एडजस्ट कर गया मेरा, ये हो गया मेरा बेहतरीन अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब हो गया, सब मेरा एडजस्ट कर गया, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बारह, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सीधा दिख रहा है कि एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा माइनस फोर, ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से बनाइए क्वेश्चन, बहुत जल्दी बनेगा। नहीं तो दूसरा मेथड है कि इसको एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, तो हमको ए वाला मिलेगा, ठीक है। उससे भी हम लोग बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया है मस्त तरीके से, ये बेस्ट अप्रोच बताए हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन है कि यदि 3x के पावर 4 माइनस ए प्लस 2 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पैटर्न सब वही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, सबका खाली बेस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या है जी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो ये हो जाएगा क्या है, 3x के पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस ए प्लस 2, ए प्लस टू इंटू एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर का गुणनखंड क्या है, एक्स माइनस टू है। तो बोल रहा है क्या कि ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एनटीपीसी आया सवाल है। अच्छा गुणनखंड है मतलब क्या, एक्स माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, टू। इसी को इसमें पुट कर देना है तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा, जीरो इक्वल टू 3 इंटू टू के पावर 4 कितना होता है, 16 हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा, इसको उधर इधर लेके आते हैं तो यहाँ से माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा, 8 इंटू ए प्लस 2, 16 48 और माइनस 4 4 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 8 से काटेंगे 8 5 40, ए बरा कितना आ गया, 5 में 2 गया 3, बस एक हल निकल गया और क्या, ठीक है। इसी तरीके से करना है फैक्टर थ्योरम। चलिए क्वेश्चन है कि 71 के पावर 83 प्लस ये है 73 के पावर 83, ठीक है। इसको करना है
36 से विभाज्य करना है इसको, 36 से, तो शेषफल क्या आएगा, तो शेष फल क्या आएगा, ठीक है। चलिए शेष इकहत्तर के बाद 83 प्लस 73 के बाद 83 को 36 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x का पावर n प्लस a का पावर n, ये जो है x प्लस a से विभाजित होगा, x प्लस a से विभाजित होगा, कब होगा, जब n क्या हो, जब n क्या है भाई, विषम संख्या होगा। जब n विषम संख्या हो जाएगा तो ये जो x का पावर n प्लस a का पावर n है वो क्या होगा, x प्लस a से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है जी, यहाँ पे देखिए इकहत्तर का पावर n यहाँ पे क्या है, 83 क्या होता है, विषम संख्या है कि सम संख्या, विषम संख्या है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 71 प्लस 83, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 71, a का वैल्यू कितना है 73 है, तो 73 प्लस 71 कितना हो जाएगा जी, 144। ये जो नंबर जो है ऊपर वाला किससे डिवाइड हो जाएगा, 144 से। अच्छा तो 144 में इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा ना 36 × 4, मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। 144 में फैक्टर क्या आएगा, 36 फैक्टर आता है ना, इसका मतलब कि नंबर क्या कर देगा, 36 उसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि अगर एक्स का पावर एन प्लस ए का पावर एन एक्स प्लस से विभाजित होगा, जब एन क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और मेथड बताते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको सेकंड मेथड थोड़ा देख लेते हैं इसको, हालांकि समझ में आना चाहिए सब क्वेश्चन, ये सब मेथड से बहुत जल्दी क्वेश्चन बनता है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग करते हैं, तो इसको 71 बट्टा कितना है जी, 36, 71 का पावर कितना है 83 प्लस 73 के पावर कितना है 83 बट्टा 36 है। अच्छा यहाँ पर 36 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा, 36 × 72 मतलब -1 आ जाएगा, तो -1 के पावर कितना 83, और 36 × 72 करेंगे तो प्लस रिमाइंडर आएगा, मतलब +1 के पावर कितना 83। तो -1 का पावर अगर विषम संख्या रहता है तो क्या होता है, -1 का पावर विषम रहेगा तो विषम ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा +1, तो कितना आ गया 0, तो आ गया रिमाइंडर 0। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन था मैंने कोशिश किया कि एसएससी और रेलवे दोनों का मिक्स क्वेश्चन कराया जाए इसमें, क्योंकि एसएससी में भी जो क्वेश्चन पूछता है वो भी आप लोग देख पाएंगे कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपका सीजन में भी आता है और रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।